धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। ये झूठ से जुड़ा हुआ मुद्दा है और ये बहुत बड़ा घोटाला भी है। दिल्ली में जो सरकार 7 वर्षों से सत्ता में है, वो दिल्ली के गरीबों वंचितों के साथ में एक वायदा करके आई थी कि हम आपको मुफ्त में बिजली पानी देंगे, मगर आज दिल्ली में इसके बिल्कुल ही विपरीत हो रहा है। आज लोगों के घर में 6 महीने तक बिजली का पानी का बिल फ्री दिया जाता है, जीरो कर दिया जाता है, और 7वें महीने पूरे 7 महीने का इकट्ठा दे दिया जाता है। मैं बहुत सारे हजारों बिल मेरे कार्यालय में शिकायत के रूप में आए थे, मैं सारे बिल नहीं ला सकता था, मैं ये कुछ बिल की कॉपियां लेके आया हूं और ये मैं दिखाना चाहता हूं दिल्ली के सारे लोगों को और पूरे सदन को कि एक एक झुग्गी झोपड़ी में ये जो जे क्लस्टर है, ये दिल्ली जल बोर्ड का 42,000 रुपये का बिल एक घर में आता है और ये कोई गलती से नहीं आया है, उसके घर में पानी का कनेक्शन काट दिया गया है। और ऐसे ही एक और ख्याला जे बस्ती में, वहां पर 31,000 रुपये का बिल आया है, ये पानी के बिल है जो पानी फ्री देने का वायदा था, और ये बिजली के बिल है जो एक घर में 6 लाख रुपए का बिल आया है और ये 22 गज का मकान है। एक घर में जो छावला में झुग्गी है वहां पर 4,33,000 रुपए का बिल आया है। एक जो 33 गज का मकान है यहां पर 1,93,000 रुपए का बिल आया है। ये सारों बिल जो एक एक गरीब आदमी के घरों में जब चुनाव आता है तो दिल्ली का मुख्यमंत्री उनके घर में जीरो का बिल भेजता है, चुनाव खत्म होते ही ये बिल को बढ़ाकर पिछले सारे महीनों को जोड़ दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज दिल्ली में देश में सबसे महंगी बिजली है। आज घर में 8.90 रुपये पर यूनिट की बिजली मिलती है और जो कमर्शियल एरिया उसमें 18.90 रुपये की पर यूनिट की बिजली मिलती है, और दिल्ली के किसानों को तो खेती का कनेक्शन ही नहीं मिलता। आज जो फिक्स चार्जेस है वो भी देश में सबसे ज्यादा है, घर में 173 रुपया और जो कमर्शियल यूनिट है उनमें 270 रुपया। मैं आपसे ये मेरा एक आपसे निवेदन है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि सरकार बोलती है जीरो दे रहे हैं और वो पंजाब में जाकर मुख्यमंत्री 1 लाख बिल ले जाता है। मैं सदन में 1 लाख बिल लेके आ सकता था, वो वहां पर जाके कहता है जीरो आता है। मतलब सरकार तो जीरो दिखा रही है अपने आंकड़ों में और लोगों के घर में लाखों का बिल जा रहा है, तो ये कितना बड़ा घोटाला है और ये सारे पैसे कहां पर ट्रांसफर हो रहे हैं, कितने झूठे विज्ञापनों पर लग रहे हैं, ये सरकार को दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहिए। बच्चों की बिजली काट दी जाती है, हमारे ऑनलाइन एजुकेशन के समय में ऐसे पेंडेमिक में जब लोगों के घर में पानी बिजली की डोरी मार पड़ रही है तो वो उधार ले लेकर अपना कनेक्शन जोड़ते हैं, ऐसे समय में दिल्ली का मुख्यमंत्री लोगों के साथ में फरेब कर रहा है, धोखा कर रहा है और इतना बड़ा घोटाला कर रहा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं इसकी जांच होनी चाहिए। प्रद्युत बारदोलोई।